सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग, 20 सीटें कितनी महत्वपूर्ण, आइए समझते हैं सीधा वैभव शिवपांडे से। तो वैभव जरा समझाइए, जरा कल का ये पहला चरण कितना अहम होगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, और ऐसे में यहां पर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्या मूड जनता का जिसको लेकर कल जनता मैदान में उतरने वाली है और मतदान करेगी। देखिए, पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान है और 2018 में इन 20 सीटों पर कांग्रेस को 17 में जीत मिली थी, तो कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अपनी सीटों को बरकरार रखना है। लेकिन बीजेपी भी बहुत अहम मानकर चल रही है क्योंकि बस्तर संभाग में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई थी, 12 में से 12 सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई थी, और बीजेपी को ये पता है कि बस्तर को जीतना न सिर्फ जो है ज़रूरी है बल्कि वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन करना भी ज़रूरी है। बस्तर से अगर बीजेपी लीड करती है तो उन्हें फिर बाकी इलाकों में थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और मुकाबला फिर बराबरी का हो जाएगा। अभी एक तरफा लीड कांग्रेस पार्टी के पास है, तो कांग्रेस के पास भी चुनौती है कि वो अपनी लीड को बरकरार रखे, क्योंकि बाकी जगहों पर जो है कांग्रेस की स्थिति थोड़ी जो है मुश्किल भरी है, खास तौर पे सरगुजा के अंचल में और बिलासपुर संभाग में। इन 20 सीटों में अगर आप समीकरणों को समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे, तो बस्तर संभाग के इलाके में जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाकी की जो 8 सीटें हैं जो कि राजनांदगांव, कवर्धा और मोहला मानपुर का इलाका है, वहाँ धर्मांतरण का भी मुद्दा है, वहाँ पे हिंदुत्व का भी मुद्दा है, वहाँ पे राम का भी मुद्दा है, क्योंकि मोहला मानपुर के इलाके में राम को लेकर के खूब राजनीति वहाँ पे होती रही है, आदिवासी लगातार उस विषय को लेकर के प्रदर्शन करते रहे हैं। वहाँ पे न सिर्फ जो है एक धर्म सभा का भी आयोजन हुआ था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश एक वर्ग के तरफ से किया जा रहा है, उसे रोकना ज़रूरी है। कांग्रेस के तरफ से भी धर्म सभा के आयोजन हुआ था, बीजेपी के तरफ से भी हुआ था, और कवर्धा का झंडा विवाद आप सबको पता ही है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम जैसे विवाद जो है खड़े हो गए थे। तो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में भी किया गया, यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्व शर्मा, अमित शाह जैसे नेताओं की जो है बड़ी रैलियां हुई और इन रैलियों में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया। लेकिन जब बस्तर की बारी आती है तो वहाँ पे जल, जंगल, ज़मीन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस या भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के तरफ से इस विषय को जोर से नहीं उठाया जाता है, बल्कि उस पर ये कोशिश होती है बताने की हम आदिवासियों के हित में क्या क्या कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पे ज़मीन संबंधी और विस्थापन संबंधी जो मुद्दा है और ख़ास तौर पे सुरक्षा बलों के जो कैंप से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर के आदिवासी लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। सिलगेर का आंदोलन आज भी जारी है और अब तो नगरनार स्टील प्लांट का भी वहाँ पे मुद्दा आ गया है, जिसे भुनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जिस पर कांग्रेस का सीधा आरोप है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करने की तैयारी है, केंद्र सरकार ने इसे बेचने की कोशिश शुरू कर दी है, ये निजी हाथों में चला जाएगा और आदिवासियों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो बस्तर के भीतर में एक बड़ा मुद्दा ये भी है जिस पर कांग्रेस और भाजपा आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन आदिवासियों को इस बात की चिंता है जैसे NMDC का प्लांट लगा और आदिवासियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया, ज़्यादातर बाहरी लोगों को वहां पे मौका मिला, नौकरियां मिली, वैसी नगरनार में भी होने को दिख रहा है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि वो किस ओर है, क्या वो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, ये 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा। लेकिन जो रैलियां हुई है, चाहे वो राहुल गांधी की हो, नरेंद्र मोदी की हो, प्रियंका गांधी की हो या अमित शाह की हो, उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से वहां पे रखा है। धर्मांतरण के विषय को भी बस्तर में बहुत जोर शोर से उठाया गया है और बीजेपी के तरफ से सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा कि भूपेश बघेल की सरकार में धर्मांतरण को बस्तर के इलाके में बढ़ावा मिला, सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हुए, यही वजह है कि वहाँ पे 2-3 स्थान ऐसे रहे जहाँ पे 100 दफनाने को लेकर के भी जमकर बवाल हुआ था और उसे भुनाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता 7 नवंबर को मतदान करेंगे, लेकिन वो ये देखना होगा कि वो मतदान
कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बिल्कुल, और ये सब 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता किसके पक्ष में नजर आएगी।